डिग्री कॉलेज ग्राउंड पे कमालगंज में ये आज कार्यक्रम हुआ है, क्या है प्रोग्राम भी आज? मैं कैप्टन बलविंदर सिंह, प्रधानाचार्य आरपी इंटर कॉलेज कमालगंज। आज हमारे यहाँ एनसीसी कैडेट्स की भर्ती होनी थी। भर्ती के दौरान 158 बॉयज़ कैडेट और 58 गर्ल्स कैडेट ने भाग लिया है। सबसे पहले इसके अंदर हाइट नापी गई है कैडेट्स की, हाइट के बाद में कैडेट्स की दौड़ लगवाई गई है और दौड़ के बाद में उनका रिटेन कंपटीशन होगा, रिटेन के बाद में मेरिट बनेगी, उसके बाद में सिलेक्शन होगा। सर ये जिसे आज प्रोग्राम हुआ, क्या वार्षिक होता है या मतलब एनसीसी कैडेट्स की भर्ती जो होती है प्रत्येक वर्ष होती है। इसमें एनसीसी कैडेट्स को बहुत लाभ भी मिलते हैं। जैसे बी जिस कैडेट ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो जब वो फौज में भर्ती के लिए जाता है तो उसको रिटेन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, उसको केवल फिजिकल क्रॉस करना है और रिटेन में उसको अपने आप हो जाता है। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। एनसीसी भर्ती में छात्र व छात्राओं ने दिखाया दम। कमालगंज के आरपी डिग्री कॉलेज में एनसीसी के लिए दौड़े छात्र, 216 छात्र व छात्राओं ने दौड़ में लिया हिस्सा। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद के कस्बा कमालगंज में आरपी डिग्री कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने एनसीसी की भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये खबर है हमारे संवाददाता मेराज अहमद की। आरपी डिग्री कॉलेज में एनसीसी की भर्ती के दौरान आर्मी सीओ रोमिल शर्मा व कॉलेज के प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह ने निर्देशन में नेशनल कैडेट कोर का कैंप लगाया गया, जहां 216 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 158 छात्र व 58 छात्राएं शामिल हैं। जानकारी मिली कि एनसीसी की भर्ती प्रतिवर्ष होती है, इसमें सबसे पहले प्रतिभागियों की लंबाई नापी जाती है और उसके बाद दौड़, तदुपरांत जो दौड़ में आ जाते हैं उनके आगे की प्रक्रिया में लिया जाता है। देश के लिए दिल में जज्बा लिए छात्र छात्राओं ने जी जान लगाकर दौड़ में शामिल हुए। चूंकि एनसीसी भर्ती आर्मी भर्ती का शॉर्टकट है, इसीलिए छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भर्ती के समय आर्मी सीओ रोमिल शर्मा, प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह के साथ कॉलेज का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। एसआई अमित कुमार शर्मा, एसआई अमित कुमार यादव व महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही साथ महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में भी जानकारी दी। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।